गुड मॉर्निंग क्लास फर्स्ट, हाउ आर यू? आई होप ऑल आर गुड. स्टूडेंट्स, टुडे आई विल रिवाइज द फर्स्ट चैप्टर, द लाउस एंड द बेड पैड. ओके, योर हाफ ईयरली कोर्स हैव कंप्लीटेड, सो फ्रॉम टुडे वी विल रिवाइज द चैप्टर्स. ओके, एंड टुमारो और नेक्स्ट डे आपका क्या होगा? टेस्ट होगा. ओके, जिस टॉपिक को आपको बताया जाएगा उस टॉपिक का आपका नेक्स्ट डे डाउट क्लास या फिर ऑनलाइन व्हाट्सएप पर आपका टेस्ट होगा. ओके, आज मैं जो चैप्टर आपको रिवाइज करवाऊंगी इसके वर्ड मीनिंग का आपको डाउट क्लास में आपका टेस्ट होगा. ओके, आप लोग लर्न करके करिएगा और इसे आपको डाउट क्लास में पूछा जाएगा. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट चैप्टर, द लाउस एंड द बेड बग. ओके, now look here, the chapter name is the louse and the bed bug. okay, the story name is the louse and the bed bug. this means the story between louse and the bed bug. the story है वो louse means zoo और bed bug means खटमल के बीच की है. in this story, इस story में एक जो है राजा रहता था. okay, इस स्टोरी में एक लाउस एक जू था जिसका नाम था मद्रास पिनी. ओके, एक जू था जिसका नाम था मद्रास पिनी. सी लिव्ड इन द बेडरूम ऑफ ए माइटी किंग. वह एक शक्तिशाली राजा के बेडरूम में रहता था और वह उनके बेड शीट पर कोने में छुपा रहता था. और जब राजा रात में सोने के लिए आता था तो वह उनका ब्लड सक करता था. सक करना मीन्स चूसना. वह ब्लड उनका सक करता था और अपना पेट भर के फिर वह सो जाता था. प्रतिदिन वो ऐसा ही किया करता था. एक रात जो बेड बग आया उसके राजा के जो कमरा था जो रूम था उसके उसमें एक बेड बग आया, खटमल आया. उसका नाम क्या था? बेड बग का नाम क्या था? अग्निमुखा. अग्निमुखा आया बेडरूम में. जब लाउस ने देखा, लाउस साहिम, जब लाउस ने उस बेड बग को देखा तो उसने कहा कि तुरंत यहाँ से निकल जाओ, ये पूरा एरिया, ये पूरा क्षेत्रफल, ये जो पूरा एरिया देख रहे हो वह मेरा है. वह हक जताने लगा उस जगह पर बेड जो लाउस था. तो बेडबग ने कहा कि मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा. आई एम नॉट डूइंग एनी हार्म. मैं तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगा. आई एम योर गेस्ट. मैं तुम्हारा मेहमान हूँ. दैट इज़ नॉट द वे यू शुड ट्रीट योर गेस्ट. ये अच्छा नहीं है कि तुम एक मेहमान के साथ ऐसा बिहेव करो. उसने क्या कहा कि मैं तुम्हारा मेहमान हूँ और मेहमान के साथ ऐसा बिहेव नहीं किया जाता. यह सुनकर के लाउस जो है थोड़ा जो है सॉफ्टली बोलने लगा. ओके, और उसने कहा अच्छा ठीक है, तुम यहाँ पर आज रात रुक सकते हो लेकिन तुम जो है राजा को काट नहीं सकते और उसका ब्लड सक नहीं कर सकते. ओके, सक हिज ब्लड, ब्लड उसका खून नहीं पी सकते, उसका खून उसका भोजन नहीं कर सकते उसके खून का. तब जो है बेडबग ने कहा कि तुम कैसे अपने गेस्ट का स्वागत करोगे, उसे भूखे ही रहने दोगे क्या? राजा के ब्लड से अच्छा मेरे लिए भोजन और क्या होगा? तुम एक मेहमान का स्वागत नहीं करोगे? किसने कहा? बेडबग ने कहा. तो जब इसने बेडबग ने ऐसा कहा तो लाउस फिर सोचने लगा अच्छा ठीक है, तुम जो है आज की रात राजा का ब्लड सक कर सकते हो, खून चूस सकते हो, पी सकते हो, लेकिन उसे धीरे से काटना जिससे वह जगे ना. ओके, तो इस तरह से जो है लाउस ने बेडबग को अलाउ कर दिया उसका किंग का ब्लड सक करने के लिए. आफ्टर दैट द बेडबग जो लाउ बेडबग था एग्री हो गया उसकी बात पर. कहा अच्छा ठीक है, जैसा लाउस ने कहा जैसा तुमने कहा मैं वैसा करूँगा, मैं धीरे से करूँगा. लेकिन जब रात हुई राजा सोने आया और बेडबग ने उसे किंग को काटा और उसने उसका ब्लड सक किया तो उसे ब्लड ब्लड इतना टेस्टी लगा कि वह भूल गया कि उसने लाउस से क्या कहा था. और उसने इतना तेज़ी से राजा को काटा और तब तक ब्लड सक करते रहा जब तक वह उसका मन नहीं भर गया, उसका पेट नहीं भर गया. ओके, तो जब अब इतना तेज काटने की वजह से राजा जग गया और जो राजा जगा तो वहाँ से बेड बग भाग गया, भाग के जाके कोने में छुप गया, लकड़ी के जो जो बेड की जो लकड़ियाँ थी उनके बीच में जा कर के छुप गया. तो फिर जब राजा ने अपने नौकरों को ऑर्डर दिया, कहा कि यहाँ देखो, यहाँ पर उसने कहा कि यहाँ खोजो कि मुझे किसने काटा है. तो वहाँ के जो सर्वेंट थे वो वहाँ पर खोजने लगे और उन्होंने बेड बग को न पाकर किसे पाया. जब वो इधर उधर बेड शीट में बेड के चारों तरफ देखने लगे तो वो लाउस को पकड़ लिए.
ओके, लाउस कोने में छुपा था बेड शीट के, उसको पकड़ लिया और उसे पकड़ करके मार दिए। और बेड बग तो बच गया, वो लकड़ियों के बीच में छुपा था वो बच गया। बदले में कौन मारा गया? लाउस मारा गया। तो इस तरह से देखा आपने बच्चों की कैसे जो है लाउस ने बेड बग की हेल्प की उसका, लेकिन उसके बाद भी बेड बग ने अपने चालाकी से तो बच गया लेकिन उसकी वजह से लाउस जो है मारा गया। ओके, तो इस स्टोरी से हमें क्या सीख मिलती है बच्चों? इस स्टोरी से हमें सीख मिलती है कि वी शुड नॉट ट्रस्ट एवरीवन, हमें सब पर विश्वास नहीं करना चाहिए। ओके, हर कोई हमारे विश्वास के लायक नहीं होता, हमें इतना ये सोचना चाहिए हम किस पर ट्रस्ट कर सकते हैं किस पर नहीं कर सकते हैं। ओके, तो लाउस को बेड बग पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। सो दिस इज द मॉरल ऑफ दिस स्टोरी। तो ये इस चैप्टर की स्टोरी थी बच्चों, आप इसको रीड करना। और नाउ लुक हियर द वर्ड मीनिंग ऑफ दिस चैप्टर। ओके, द लाउस एंड द बेड बग। माइटी, माइटी मीन्स शक्तिशाली। स्प्रेड, स्प्रेड मीन्स फैलाव। क्रिप्ट बैक मीन्स पीछे हटना। ब्लड, ब्लड मीन्स खून। गेस्ट, गेस्ट मीन्स मेहमान। रॉयल, रॉयल मीन्स शाही। लाउस, लाउस मीन्स जू। बेड बग मीन्स खटमल। पेन मीन्स दर्द। तो ये आपका वर्ड मीनिंग है, इसको आपको लर्न करना है। ओके, लर्न करिए। कल मैं आपको डाउट क्लास में सभी बच्चों से मैं आप इसके बारे में कंसल्ट करूँगी और इसके बारे में डिस्कस करूँगी और आप लोग लर्न कर आएंगे, आपसे ये पूछा जाएगा। ओके, डाउट क्लास में आपसे क्वेरी होगा, आपसे पूछा जाएगा। सो गेट रेडी फॉर डाउट क्लास एंड टेस्ट। ओके।